स्टूडेंट क्लास 8 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक पढ़ चुके थे। आज हमें व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद पढ़ना है। संकेतवाचक इसके व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद चार होते हैं, संकेतवाचक, कारणवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। संकेतवाचक जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को संकेत द्वारा जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संकेतवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये क्या करते हैं, दो वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं तो वे संकेतवाचक वाक्य शब्द कहलाते हैं। जैसे यद्यपि, उसने मेहनत की तथापि सफलता प्राप्त ना कर सका, तो ये यद्यपि और तथापि जो है संकेतवाचक है। यदि ऐसा होता तो अच्छा होता, यदि संकेतवाचक है। कारणवाचक जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का मुख्य वाक्य का कारण प्रकट करे उन्हें कारणवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे नेताजी नहीं आ सके क्योंकि रास्ता जाम था, तो ये क्योंकि जो है कारणवाचक है। अनूप विद्यालय में प्रथम आया इसलिए उसे पुरस्कार मिला, तो ये इसलिए क्या है, कारणवाचक है। स्वरूपवाचक जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते समय मुख्य शब्द, वाक्यांश अथवा वाक्य के कथन को स्पष्ट कर देता है। जो मुख्य कथन और वाक्य को जो शब्द स्पष्ट करता है, मतलब समझा है, जिससे पूरा अर्थ प्रकट हो जाता है, उस शब्द को स्वरूपवाचक कहते हैं, उन्हें स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह इतनी सुंदर है, कैसी, कितनी सुंदर है, मानो परी खड़ी हो, तो ये जो मानो है इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि वह कितनी सुंदर है, तो इसलिए मानो क्या है, स्वरूपवाचक है। आज 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर है तो क्या है, 2 अक्टूबर है मतलब कि गांधी जयंती है, तो ये जो अर्थात लिखा हुआ है तो अर्थात क्या कहलाएगा, स्वरूपवाचक कहलाएगा। उद्देश्यवाचक जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांश अथवा वाक्यों के मध्य उद्देश्य का बोध कराते हैं उन्हें उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। हर्ष को बाजार जाना है इसलिए तैयार हो रहा है, वह बहुत परिश्रम करता है ताकि सफल हो सके, ठीक है, तो ये इसलिए और ताकि उद्देश्यवाचक है। विस्मयादिबोधक शब्द 3 शब्दों के मिल से बना है। विस्मय धन, आदि धन, बोधक अर्थात विस्मय मतलब आश्चर्य, आदि का बोध कराने वाले शब्द, तो आश्चर्य का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। तो आह कितना सुंदर फूल है, शाबाश, सावधान, हाय, ये क्या है, विस्मयादिबोधक शब्द हैं। उपयुक्त वाक्यों में आह, शाबाश, सावधान, हाय आदि शब्दों से क्रमशः हर्ष, उत्साह, चेतावनी, शोक आदि मनोभावों का बोध हो रहा है, अतः यह विस्मयादिबोधक शब्द हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या हुई, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा जैसे मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादिबोधक शब्द कहा जाता है। इसके बाद देखिए विस्मयादिबोधक शब्दों की विशेषताएं निम्न लिखित हैं, तो कौन कौन सी हैं, ये शब्द प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, इन शब्दों का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से नहीं होता है, इन शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, इन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द भी विस्मयादिबोधक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये शब्द हमारे मुख से अनायासी बाहर निकल जाते हैं। मन के भावों के आधार पर विस्मयादिबोधक शब्दों के निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया, आश्चर्यबोधक, क्या, अरे, हे, हर्षबोधक, अति सुंदर, शोकबोधक, हाय, स्वीकृति बोधक, अच्छा, जी, ठीक, चेतावनी बोधक, खबरदार, होशियार, सावधान, आशीर्वाद बोधक, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद, आयुष्मान, अभिवादन बोधक, नमस्कार, राम राम, नमस्ते, प्रणाम। इसके बाद आता है निपात, वे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। वे अव्यय शब्द, अंडरलाइन कर लीजिए, जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगते हैं और विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो ये जो भी है ये इस बात पर बल देता है कि नहीं हम, मतलब निश्चय का बोध करा रहा है कि नहीं हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, तो बल दे रहा है जाने के लिए, इसलिए ये भी जो है निपात है। इसे तुम मेरे साथ भी खा सकते हो, अभी डॉक्टर अभी तक नहीं आए, मात्र बात करने से कुछ नहीं होता, इस तरह ये जो अभी है, मात्र है, भी है, ये निपात कहलाते हैं। वाक्य के माध्यम से कुछ अन्य निपातों का प्रयोग, जैसे वर्षा तो हो गई है, तो, मुझे ही रिपोर्ट दर्ज करवानी है, ही, डॉक्टर जी अभी तक आए नहीं, अभी, ये क्या है, निपात कहलाते हैं, ठीक है। निपात के अन्य उदाहरण हैं जैसे लगभग, मत, भी, मात्र, तो, तक, सिर्फ, केवल, भर, हाँ आदि। निपात की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ये शब्द वाक्य के विशेष अर्थ प्रदान, वाक्य को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, ये वाक्य में प्रयोग होकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, इन शब्दों पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये शब्द वाक्य के अंग नहीं माने जाते हैं। इसके बाद अब आज हमने क्या क्या सीखा, जिन शब्दों के रूप में लिंग, काल, कारक, वचन, पुरुष इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द अव्यय भी कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक, निपात,
जो अभिकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं क्रिया जो वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। निपात पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन के भावों को प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य के आरंभ में आते हैं। चलिए अब हम अपनी बुक फिल कर लेते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? कालवाचक कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। अव्यय कितने भेद होते हैं? अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छाट कर लिखे। वह अपनी मौसी के साथ दिल्ली गया, के साथ अंडरलाइन कर लीजिए। मेरी माँ घर के भीतर है, तो के भीतर। इसके बाद है बिल्ली मेज के नीचे है, तो मेज के नीचे। के नीचे ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है, तो के बिना। मंदिर के किनारे तालाब है, के किनारे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, ये सही है। समुच्चय बोधक के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, सही है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 3 भेद होते हैं, गलत है। संबंध बोधक संज्ञा और सर्वनाम के साथ आपस में संबंध बताते हैं, गलत है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द के वर्ग में आते हैं, ये सही है। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्द भरिए। आज गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। वह स्कूल ना जा सका क्योंकि बीमार था। वीर पुरुष अहंकारी नहीं वरन संतोषी होते हैं। तुमने मना किया इसलिए मैं नहीं आया। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छाट कर लिखे तथा उसका भेद भी बताइए। पिताजी कल आएंगे, तो कल क्रिया विशेषण भेद मूल क्रिया विशेषण। बच्चा चलते चलते गिर पड़ा, तो चलते चलते क्रिया विशेषण भेद रीतिवाचक। हम कल विद्यालय जाएंगे, कल और मूल भेद है मूल क्रिया विशेषण। लगातार वर्षा हो रही, तो लगातार क्रिया विशेषण भेद कालवाचक। खरगोश तेज दौड़ा, तेज क्रिया विशेषण और भेद परिमाणवाचक। तो और क्वेश्चन नंबर 7, ये वाक्य में प्रयोग है, इसे आप स्वयं कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विश्वव्यादि बोधक शब्दों का भाव बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो भाव बता रही हूँ, वाक्य में प्रयोग आप करेंगे। धत, घृणा, हाय, दुख, आह, खुशी, खबरदार, चेतावनी, छींची, खराब। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। यह है मेरी बात चुपचाप सुन रहा है, तो चुपचाप सुन रहा है ये रीतिवाचक है। धीरे धीरे अंधेरा छा गया कालवाचक है। चलो वहाँ चले स्थानवाचक है। मोहन बहुत थक गया है परिमाणवाचक है। प्रतिदिन भ्रमण कीजिए यौगिक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से निपात शब्द छाट कर लिखिए। वह आप ही चला गया, तो ये आप ही निपात है। इसमें कब निपात है अंडरलाइन कर लीजिए। आप भी देखो निपात है, हाँ निपात है, ही निपात है, ही निपात है, मात्र निपात है, से निपात है, वर्षा तो होगी तो निपात है, और भी निपात है। ठीक है, इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।